साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। जैसा कि हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में डिस्कशन हम कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वेंटिलेशन। व्हाट इज द वेंटिलेशन, इसकी डिफिनेशन के बारे में यह बात करेंगे। फिर उसके बाद यूज ऑफ वेंटिलेशन एंड टाइप ऑफ वेंटिलेशन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नोट के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी फार्मा के, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में ये आता ही है एग्जाम। साथियों हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में। इट इज द एक्सचेंज ऑफ वेंटिलेटेड एयर इनसाइड द रूम विद ए फ्रेश आउटडोर एयर। इसका मतलब यह होता है कि दूषित हवा जो होती है, जैसे रूम के अंदर 10 लोग बैठे हैं तो ऑक्सीजन इनहेल भी करते हैं, लेते भी हैं और छोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले जमाने में जो है विंडो होती थी वेंटिलेशन के लिए। अभी क्या है, एग्जॉस्ट एक फैन लगा होता है जो अंदर की हवा बाहर करता है और फ्रेश एयर अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड द रूम विद ए फ्रेश आउटडोर एयर। यूज ऑफ वेंटिलेशन, इसका क्या फायदा है। इट का मतलब है वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन मेंटेन कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है और गर्मी नहीं होने देता है और हवा का आदान प्रदान और मूवमेंट करता रहता है वेंटिलेशन। जब बाहर हवा जाएगी तो फ्रेश एयर अंदर की तरफ आएगी। तो इट रिमूव्स बेड स्मेल एंड ऑडर्स। और इसमें क्या होता है कि जो बदबूदार हवा होती है या बेड स्मेल होती है, कोई किसी तरह की स्मेल होती है, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। एंड इट रिड्यूस बैक्टीरियल कंटामिनेशन। और किसी तरह से बैक्टीरिया, मतलब हवा रुकने से बैक्टीरिया का जो है मतलब ग्रोथ ना हो जाए, तो इसलिए वेंटिलेशन होता रहता है और फ्रेश एयर आती रहती है और दूषित हवा बाहर जाती रहती है। तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कम करता है जो है वेंटिलेशन। इट मेंटेन्स कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन इनसाइड ए रूम। और फ्रेश हवा के साथ साथ जो है उसमें जो है केमिकल कंपोजिशन है उसको भी मेंटेन रखता है। टाइप ऑफ वेंटिलेशन, दे आर क्लासिफाइड एज टू टाइप, नेचुरल वेंटिलेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेशन दो तरह का होता है, नेचुरल होता है जो प्राकृतिक एंड मैकेनिकल होता है जो मशीनों द्वारा या आर्टिफिशियल जो बनाया गया है, जैसे एसी है, डिफ्यूजन है, टेम्परेचर है, मतलब एसी है, मतलब एग्जॉस्ट है, ये सब क्या है, प्लूनम वेंटिलेशन है, ये सब जो है क्या होता है मैकेनिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक विंडो, वाइन मतलब हवा के बारे में। क्रॉस वेंटिलेशन प्रोड्यूस बाई डोर्स एंड विंडोज। तो इसमें क्या होता है, जैसे दरवाजा बनता है उसके ऊपर विंडो लगी होती है, खिड़की टाइप की, हवा आर पार जाती रहती है और जहां पे विंडो लगाने की सुविधा होती है, विंडो लगी होती है, उससे वेंटिलेशन होता रहता है अपने आप। हवा अंदर आती रहती है, जब हवा रूम हवा से भरता है तो दूषित हवा बाहर अपने आप निकल जाती है। फिर उसके बाद डिफ्यूजन, ये क्या है, पासेज एयर थ्रू क्या है स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे मतलब होल टाइप के बने होते हैं और उससे जो है हवा अपने आप आती और जाती रहती है। टेम्परेचर का, हॉट एयर लीव्स थ्रो टॉप ऑफ द रूम एंड कूल एयर इंटर्ड फ्रॉम बिलो। और क्या होता है, गर्म हवा निकलती रहती है और ठंडी हवा अंदर आती रहती है। नंबर दो, मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। तो रूमों के अंदर आजकल देखा होगा शहरीकरण में क्या होता है कि एग्जॉस्ट जो है रूम में लगा होता है, जैसे किचन में लगा होता है कि कोई भी दूषित हवा है वो बाहर निकल जाए, एग्जॉस्ट बाहर की तरफ हवा फेंकता है। तो इट इज प्रोवाइडेड बाय एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है। दे ड्राइव आउट द टॉप लेयर ऑफ हॉट एयर एंड वैक्यूम क्रिएटेड द फील्ड बाय फ्रेश एयर थ्रू डोर्स एंड विंडोज। और क्या करता है, एग्जॉस्ट जो है गर्म हवा जो होती है बाहर निकालता है और डोर के माध्यम से या विंडो के माध्यम से फ्रेश एयर अंदर आती रहती है। तो ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है। और इसके बाद प्लूनम वेंटिलेशन, इन दिस टाइप इसमें क्या होता है, फ्रेश एयर इज ब्लोन मतलब इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल फैंस। कुछ ऐसे जो है फैन लगे होते हैं जो फ्रेश एयर को अंदर खींचते रहते हैं और दूषित हवा बाहर जाती रहती है, इसको हम प्लूनम कहते हैं। नंबर थ्री है बैलेंस्ड वेंटिलेशन। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड प्लूनम वेंटिलेशन। इन दिस वन टाइप ऑफ फैन बैलेंस्ड द अदर।
इसमें क्या होता है, एग्जास्ट भी चलता रहता है, और जो प्लूना वेंटिलेशन ऊपर की तरफ पंखा होता है वो फ्रेश एयर अंदर करता रहता है, और एग्जास्ट जो है दूषित हवा को बाहर निकालता रहता है, इसको हम बैलेंस वेंटिलेशन कहते हैं। साथ ही साथ है एयर कंडीशनिंग, इसका काम क्या होता है कि जैसे ओटी होती है हॉस्पिटल के अंदर या बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें एयर कंडीशन जो है लगे होते हैं। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड ऑपरेशन थिएटर। इन दिस एयर इज फिल्टर्ड सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड एयर आती रहती है, वाटर वेपर्स क्या होता है, हीट एंड हीटेड टू द डिजायर टेम्परेचर, और जो गर्म टेम्परेचर होता है या उसको जो है क्या करता है, मतलब ठंडे में बदल देता है, ठंडा कर देता है रूम, एंड डिफरेंस टू 15 सेंटी फारेनहाइट इज मेंटेन्ड बिटवीन आउटसाइड एयर एंड कंडीशनर एयर। बाहर का जो टेम्परेचर होता है उस वो गर्म होता है और अंदर की तरफ लगभग 15 सेंटीग्रेड फारेनहाइट जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है और ठंडा रखता है और बैक्टीरिया वगैरह को नहीं बनने देता है। ये ओटी वगैरह में जो है ज्यादातर लगता है और हॉस्पिटल्स में लगता है। तो इसी के साथ किसी तरह की क्वेरी है साथियों तो हमें जरूर बताइए। ये था वेंटिलेशन के बारे में डिस्कशन, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें। साथियों नमस्कार।